गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग है, यानी कुल 51% सीट पर मतदान होगा, जिसमें 74 सामान्य तो 6 एससी और 13 सीटें एसटी शामिल हैं। बीजेपी के लिए चरण बेहद अहम है, क्योंकि इसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के क्षेत्रों के सीटों पर भी मतदान होना है। इस फेज में दिग्गजों की बात करें तो मुख्यमंत्री और अन्य 8 मंत्री मैदान में हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, जगदीश विश्वकर्मा, मनीषा वकील, अर्जुन चौहान और आदि का नाम है। इसके अलावा 2017 में पाटीदार आंदोलन का चेहरा बने हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश पेमानी और बीजेपी को पूर्व मंत्री शंकर चौधरी की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। अहम माने जाने वाली सीटों में अहमदाबाद, घाट लोडिया, नरोडा, वटवा, विसनगर, थराद, महसाणा, वीरमगाम, बडगाम, गांधीनगर दक्षिण, खेड ब्रह्मा, मांजलपुर, वागोडिया, घेरालू, दसकोई, छोटा उदयपुर, खंडेसा समेत कुछ और सीटें शामिल हैं। बता दें कि 2017 में इन 93 सीटों में से 51 सीट पर बीजेपी ने तो कांग्रेस ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 3 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी, जिसमें एक निर्दलीय जिग्नेश पेमानी अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और फिर से वटगाम से मैदान में उतरे हैं। वहीं मेवाणी की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने पूर्व कांग्रेसी नेता और विधायक मणिलाल वाघेला को तो आपने दलपत भाटिया को मैदान में उतारा है। इस फेज में कुल मतदाताओं की संख्या 2,51,00,000 है, जिसमें 1,22,00,000 महिलाएं हैं